गुरु गोविंद सिंह साहब जी जिन्होंने, तो देख सकते हैं दोस्तों जो कि ये किले, जो कि साधुओं का जीवन कितना कष्टमय होता है। जी हाँ दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के द्वारा। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नरवाल व्लॉग 888। दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपकी हरियाणा साइकिल भ्रमण यात्रा, जो कि हमारी शान की सवारी से दोस्तों, जो कि हम कुछ दिनों से आपको रूबरू करवा रहे हैं राजस्थान संस्कृति से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के द्वारा, तो कराते हैं आज की वीडियो के भव्य भव्य नज़ारों से आपका रूबरू। तो फिर से जारी कर दे हमने अपनी साइकिल यात्रा आगे के लिए, और देख सकते दोस्तों क्योंकि कोहरा बहुत गिर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले तो कुछ ज़्यादा थोड़ा हाँ अभी छट चुका है, और सुबह के बजने वाले हैं अभी 10:30। तो मिलते हैं एक और आगे के भव्य है दृश्य के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान राज्य जिला बीकानेर का एक गांव जामसर, जहां पर ये पवित्र शक्ति साधु भजन करते हैं यहां पर, और अभी दिखाते हैं हमारी वीडियो के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो कि साधुओं का जीवन कितना कष्टमय होता है। और मैं उन लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जो साधुओं को देख कर घृणा करते, कृपया इन पवित्र शक्तियों से घृणा मत करें दोस्तों, जो कि ये हैं तो हमारी सृष्टि बची हुई है। अगर ये ना हो तो सृष्टि अब की पता नहीं कब की तहस महस हो जाते दोस्तों। ये साधु भजन कर रहे हैं यहाँ पर इतनी सर्दी के अंदर, देख सकते हैं आप। कृपया ऐसे साधुओं की हमेशा ही मदद करें दोस्तों, इनकी ज़रूरत का सामान इन्हें पहुँचाएँ यहाँ, क्योंकि भीड़ बड़े जंगलों के अंदर ये तब रुके थे साधु के पास कुछ देर के लिए, तो हमने वहाँ उनसे वार्ता की और आपसे रूबरू कराया। तो वे चल पड़े अपनी आगे की एक और यात्रा पर, जो कि हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी जिन्होंने इन मुसलमानों के साथ युद्ध किया, और जो कि उत्तराधिकारी थे जो कि शेर खां सरहद के नवाब, जिन्होंने हमारे शहजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किले के अंदर चुनवाते हुए गुलाम के द्वारा, उधर सामने देख सकते हो कैसे शहीदी दीती है, साथ दीती है हमारे महापुरुषों ने, देख सकते हो दोस्तों। और उधर सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि 10वें गुरु भी कहलाए सिख पंथ के, और अगर आप देख सकते दोस्तों कैसे कैसे सुरमा हुए हमारे इस जमी के ऊपर, जिन्होंने अपनी कौम के खातिर, धर्म के खातिर अपना पूरे ही परिवार को वार दिया। तो अगर के उन महान शक्तियों के दर्शन जिन्होंने शहादत दी इस हिंदुस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए दोस्तों, जो कि मिलिट्री के हथियार जा रहे हैं हमारे सेना द्वारा, इसके वीर सपूतों को सत सत नमन है दोस्तों। देख सकते दोस्तों जो कि पास में ये मिलिट्री एरिया है, और इधर हमारे जवानों द्वारा गश्त की जाती है और मोर्चा भी लगाया जाता है। अभी दोस्तों बीकानेर के शहर के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ, जो मिलिट्री एरिया बीकानेर के अंदर, देख सकते हैं आप ये मोर्चे लगे हुए हैं दोस्तों। कार आ चुके हैं अपने राजस्थान राज्य जिला बीकानेर शहर के अंदर, जहाँ पर स्थित है ये प्राचीन किला। बताया जाता है 14वीं शताब्दी में राव मीका जी ने इसका निर्माण करवाया, और बताया ये भी जाता है इसका प्राचीन नाम चिंतापूर्णी भी बताया गया है, और अब इसका 20वीं शताब्दी में बदलकर नाम जूनागढ़ रखा गया। तो हो जाइए आज की रोमांच से भरी इस वीडियो से सकते दोस्तों, जो कि जूनागढ़ किला, ये मैं आपको बाहर से करा रहा हूँ इससे रूबरू, कितना लुभावना दृश्य है दोस्तों। आज अभी आप बाहर की तरफ से देख सकते हैं ये किले का दृश्य, कितना ही प्राचीन किला बताया जाता है। बताया जाता कि राव बीकाजी ने इसकी नींव 14वीं सदी में बनवाई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों जो कि ये किले के ऊपर जाने का रास्ता है, और जो कि ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ दोस्तों, और इधर आप देख सकते हैं जी
कितनी प्राचीन वास्तुकला दिखाई गई है यहाँ पर। और मैं करा रहा हूँ आपको राजस्थान संस्कृति से रूबरू। तो अभी चलते हैं किले के अंदर की तरफ दोस्तों, जो कि किले के अंदर प्रवेश द्वार पर यह माता करणी जी का दरबार लगाया गया, देख सकते दोस्तों अभी आप। और इधर भी एक भव्य दरबार लगाया गया, यहाँ स्वागत कक्ष बनाया गया है यहाँ पे। किले का मनोरम दृश्य कर सकते हैं चारों तरफ से आप आज की वीडियो का नज़ारा, देख सकते हैं ये किले का प्रवेश द्वार और ये इधर से कितना सुंदर दृश्य है इस प्राचीन किले का। तो आगे चल के कराते रूबरू आपको इस किले के, इधर से जाते हैं हम दोस्तों जो कि किले के ऊपर की तरफ, जो कि यह तो महाराजा गज सिंह जी द्वारा जोधपुर सोस्ती गेट से जीती गई थी, जो कि 1808 में। पूरे किले का नज़ारा है देख सकते दोस्तों, कितना प्राचीन और लुभावना दृश्य है दोस्तों। और इधर एक गाइड जो फॉरनर को इसके बारे में, किले के बारे में बताते हैं। तो आज आपने लिया नज़ारा हमारी वीडियो के द्वारा, जो कि हमने दिखाया आपको वो रास्ते के पल, और हमने कराया रूबरू आज आपको जो कि मिलिट्री की गाड़ियां जा रही थी, गुजर रही थी जो कि हथियारों के समेत, और हमने रूबरू कराया आज आपको उस प्राचीन धरोहर से जो कि राव बिका सिंह ने 14वीं शताब्दी में उसको निर्माणित किया। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कृपया भाईचारा कायम रखें, अपनी इस अमूल्य शक्ति को, बहुमूल्य शक्ति को किसी के बहकाव में आकर न खोएं। तो दोस्तों कृपया नशे से बचें, इस अमूल्य और प्राकृतिकी की बने हुए ढांचे को जो परमात्मा द्वारा बख्शा गया हमें, इसे नए समय व्यर्थ ना करें, गैर कामों में न लगाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी हरियाणा भ्रमण साइकिल यात्रा की एक और आगे की यात्रा के द्वारा। तो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय हिंद।